कल मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश होने वाला है। शेयर बाजार के जानकारों की माने तो बजट से पहले के दिनों में इन्वेस्टर उम्मीदों पर दांव लगाते हुए ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जिनमें बजट घोषणाएं फायदा पहुंचा सकती हैं। एक फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। शेयर मार्केट को भी आम बजट से उम्मीदें हैं। अगर पिछले कुल सालों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो देखा गया है कि 9 बार पेश हुए आम बजट के बाद 6 बार सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल देखने को मिला है। वहीं इसके उलट यह भी देखा गया है कि आम बजट से पहले शेयर मार्केट नीचे जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। शेयर मार्केट लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। जनवरी में शेयर मार्केट 27,000 के पार जा चुका है। शेयर बाजार के जानकारों की माने तो इस बार बजट पेश होने तक इसके अंदर 3,000 अंकों तक का इजाफा हो सकता है और सेंसेक्स 30,000 के पार पहुंच सकता है। जानकारों की माने तो बजट से पहले के दिनों में इन्वेस्टर उम्मीदों पर दांव लगाते हुए ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदे हैं जिसमें बजट घोषणाएं फायदा पहुंचा सकती है। हालांकि यह खरीदारी बजट से ठीक पहले के कारोबारी सत्र में थम जाती है और ज़्यादातर निवेशक उम्मीदों पर फुल स्टॉप लगाते हुए खरीदे हुए शेयरों को बेचकर मुनाफा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली शेयरों में निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा सकते हैं। सरकार अभी शेयरों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी लगाती है। अगर ऐसा होता है तो आप पर क्या असर होगा, आइए हम आपको बताते हैं। अगर ये टैक्स लगा तो 1 साल बाद शेयर बेचने पर एलटीसीजी टैक्स देना होगा। अभी 1 साल से कम समय में शेयर बेचने पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। सरकार इस टैक्स को इसलिए लगा सकती है क्योंकि सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरह मजबूत नहीं है। हाल ही में बीएसई ने कहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट से सरकार को 49,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। बजट 2019 जाने संसद में कब पेश होगा? मोदी सरकार का यह आखिरी आम बजट, यह है पहले बजट पेश करने के पीछे के कारण। 2019 अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। इन लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस बजट के लोक लुभावन होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है इस बजट में सरकार का फोकस आम आदमी को कई मोर्चों पर राहत देने पर हो सकता है। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी और इनकम टैक्स स्लैब घटाने जैसी कई घोषणाएं कर सकते हैं। बजट 2019 में जाने कितना बढ़ सकता है टैक्स स्लैब? डायरेक्ट टैक्स में भी मिल सकती है काफ़ी सारी छूट। तो दोस्तों, कल देखते हैं सुबह कि आने वाले बजट में कितनी अफरा तफरी होने वाली है।